करेले तो आपने बहुत खाए होंगे फ्रेंड्स। आज बनाएंगे भरवा करेले रेसिपी। ये करेले इतने स्वादिष्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और वो भी बिना कड़वाहट के। इस तरह के भरवा करेलों को आप चपाती, रोटी या फिर पूरी के साथ सर्व करें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, करेले बनाने के लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम ताज़ा करेले। आप यहाँ पे थोड़े से छोटे या फिर मीडियम साइज़ के करेले ले लें और फिर इन्हें धोकर कपड़े से पोंछ लें। अब हम इन्हें पील ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले करेलों के फ्रंट और बैक पार्ट को थोड़ा सा काट लेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। अब करेलों को चाकू की सहायता से खुरचते हुए या फिर पीलर से बिल्कुल पतला पतला छिलका उतार लेंगे। याद रखें, यहाँ पर हमें करेलों का बिल्कुल मोटा मोटा छिलका नहीं उतारना है, नहीं तो फिर करेले की स्किन ज़्यादा पतली हो जाएगी, क्योंकि हमें इनके अंदर स्टफिंग भरकर बनाना है। तो इस तरह से हमें करेलों को पहले छीलकर तैयार कर लेना है। अब हम करेलों को इस तरह से हाथ में पकड़कर इसके सेंटर में चीरा लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि करेला नीचे की साइड से जुड़ा रहे। इस तरह से अब हम इसके अंदर से बीज और इसका जो सारा पल्प्स है वो भी बाहर निकाल लेंगे। इसे चाकू की सहायता से या फिर चम्मच के बैक साइड से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो इस तरह से हम सभी करेलों को अंदर से एकदम खाली कर लेंगे। तो करेलों को हमने छील कर तैयार कर लिया है और इसके अंदर काफ़ी सारा स्पेस है, जिसके वजह से इसके अंदर स्टफिंग काफ़ी सारी भर जाएगी। तो इसके जो बीज और छिलके हैं इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे भी हम सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। तो सभी करेलों को सेंटर में चीरा लगाते हुए हम इस तरीके से खाली कर लेंगे। अब ये जो करेले के छिलके और बीज है इसे भी हम थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा हार्ड या फिर लाल रंग के जो बीज होते हैं उसे ही बस हम अलग करेंगे, बाकी के बीजों को हम सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो बीज है आसानी से कट पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो बीज है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए इसे भी हम सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। अब हमने जो ये करेले छील कर खाली करके रखे हैं, इनके ऊपर हम हल्दी और नमक को मिक्स करके लगाएंगे। हल्दी लगाने से करेलों का कलर ऐसा ही बना रहता है, ये बनाने के बाद बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे, और नमक लगाने से करेलों की सारी कड़वाहट भी निकल जाती है, और साथ ही करेलों की जो ऊपर की लेयर होती है वो खाने में बिल्कुल भी फीकी नहीं लगेगी। अब हम नमक और हल्दी को हाथों से रफ कर लेंगे करेलों के ऊपर। थोड़ा सा नमक हम करेलों के अंदर की तरफ भी लगाएंगे और इसे हाथों से रफ करते जाएंगे। इसे हाथों से थोड़ी देर रफ करेंगे, इसे हम ज़्यादा देर रेस्ट पर नहीं रखेंगे, इसे हम तुरंत ही बनाएंगे। तो इस तरीके से इसे हाथों से रफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा करने से करेलों के अंदर की सारी कड़वाहट निकल जाएगी। तो इस तरह से आप एक बार इन करेलों को ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं, बनाने में एकदम से आसान रहते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। अब हम बाकी के बचे हुए नमक को करेलों के बीज और छिलके जो हैं इनके ऊपर भी स्प्रिंकल कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से करेलों के जो बीज और छिलके हैं इनकी भी सारी कड़वाहट निकल जाएगी। नमक लगाने के बाद हमने करेलों को सिर्फ 10 मिनट के रेस्ट पर ही छोड़ा था, और अब हम इन्हें धो लेते हैं। धोने से करेलों की सारी कड़वाहट निकल जाएगी और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा नमक था वो भी सारा निकल जाएगा। एक एक करेले को लेकर के पानी में डिप करते हुए इसे हाथों से मसलते हुए धो लेंगे, और इसके सारा जो एक्स्ट्रा पानी है उसे भी हम निचोड़ लेंगे। करेलों को धोना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसके अंदर नमक डाला था। धोने से करेलों का सारा एक्स्ट्रा नमक निकल जाएगा और ये सब्ज़ी बनाते टाइम बिल्कुल भी खारे नहीं होंगे। अब इसी पानी में ये जो छिलक और इसका पल्प्स है इसे भी पानी में डालकर अच्छे से धो लेंगे। अब हम इसे छन्नी में छान लेंगे, जिससे कि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। अब हम इसे वापस से बाउल में डालेंगे और एक बार फिर से साफ पानी में धो लेंगे, इससे इसकी सारी कड़वाहट पानी में निकल जाती है और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। छानने के बाद इसे कुछ देर ऐसे ही छन्नी में छोड़ देंगे, जिससे कि अंदर का इसके सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। अब हम इन करेलों को स्टीम करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी डालकर इसे गर्म कर लिया है। इसके बाद कढ़ाई के ऊपर रखेंगे इस तरह की स्टीमर प्लेट या फिर कोई छन्नी, और इसके ऊपर एक एक करेले को हम अच्छे से सेट कर देंगे। स्टीम करने की वजह से ये जो करेले हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, और इन्हें तेल में ज़्यादा देर तक नहीं पकाना पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा तेल का इस्तेमाल भी नहीं होगा, और इसकी जो लेयर्स होती है उसमें भी कड़वापन सारा निकल जाएगा। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं करेलों को।
करेले बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ये अच्छे से स्टीम भी हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और इसे साइड में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो करेले जब तक ठंडे होते हैं तब तक हम करेलों में भरने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन को गैस पर रखेंगे, इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल। जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं उसमें आप इसे बना सकते हैं, पर मस्टर्ड ऑयल में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें हम धुला हुआ करेलों का पल्प और छिलके को इसमें डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये थोड़ा सा भून जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि हमें इसके अंदर स्टफिंग ऐड करनी है। बिल्कुल बारीक कटा हुआ इसके अंदर 1 बड़े साइज़ का प्याज ऐड करेंगे। 2 मिनट प्याज को भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। कोशिश करें कि अदरक और लहसुन के पेस्ट को आप फ्रेश ही यूज करें, मार्केट वाला यूज यहाँ पे ना करें, क्योंकि फ्रेश कूटे हुए अदरक और लहसुन से फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच के करीब कच्चा आम, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर कच्चा आम ना हो तब आप इसकी जगह पे 2 चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर ये भी ना हो तब आप स्टफिंग ऐड करते टाइम इसमें 2 चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। खटास के बिना करेले बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते, तो इसे ज़रूर से डालें। तो देखिए मसाले भी भून चुके हैं, अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। मसालों में लिया है मैंने 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1/4 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर। सभी मसालों को मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए पकाते हुए मसाले थोड़े से ड्राई ड्राई से हो चुके हैं। इसी स्टेज पे अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 1 मिनट पकाने के बाद स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इस स्टफिंग को हम करेलों में ऐड करेंगे। स्टफिंग ठंडी हो चुकी है और करेले भी थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। अब एक एक करेलों को उठाते हुए इसके मुंह को बीच में से खोलते हुए इसके सेंटर में स्टफिंग को भर देंगे। अंगूठे से प्रेस करते हुए अच्छे से दबा दबा के इसके अंदर हम स्टफिंग को भर देंगे, ताकि स्टफिंग का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर और टेस्ट आए करेलों के अंदर। इसके बाद हाथों से प्रेस करते हुए इसे आपस में चिपका देंगे ताकि स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो अच्छे से स्टफिंग इसके अंदर सेट हो चुकी है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो स्टीम करने का यही एक फ़ायदा होता है कि जब हम इन्हें तेल में फ्राई करें तो ये तेल में जाकर बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं, और साथ ही अपनी शेप को भी इसी तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, और इसके अंदर स्टफिंग भी अच्छे से सेट हो जाती है। तो सभी करेलों के अंदर स्टफिंग को भरकर हमने अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब चलते हैं इसे फ्राई करने की प्रोसेसिंग में। इसे फ्राई करने के लिए एक बड़े पैन को मैंने गैस पर रखा है। इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें एक एक स्टफ्ड करेलों को उठाएंगे और इसे एकदम सीधे पैन में लगा देंगे। तो जब भी स्टफिंग वाले करेलों को आप फ्राई करें तो स्टफिंग वाली जो साइड है उसे हमेशा ऊपर की तरफ ही रखें। ऐसा करने से स्टफिंग पैन में नहीं चिपकेगी और ये नीचे की तरफ से अच्छे से सिक भी जाएंगे। तो सभी करेलों की सीधी साइड को पैन में रखते हुए हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने पहले ही करेलों को स्टीम करके आधा पका लिया था, जिसकी वजह से अब इसे पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं करेलों को। तो ये नीचे की साइड से फ्राई हो चुके हैं और अच्छे से सिक भी गए हैं। अब हम इसे पैन को हिलाते हुए इसकी साइड को चेंज कर देंगे, या फिर आप किसी फोक या चम्मच से भी इसे हल्के हाथों से साइड को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि ये जो करेले हैं दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाए, और इसे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेना है। तो देखिए करेलों को हमने चारों तरफ से घुमा घुमा कर अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेक लिया है। करेलों को पहले से स्टीम करने की वजह से इन्हें फ्राई करने में अब बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। ये अच्छे से सिक भी गए हैं और पक भी गए हैं। इसके चारों तरफ से इवनली गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है। तो अब ये करेले सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे अब हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती से चाहे तो आप इसे गार्निश कर सकते हैं।
इसे आप चपाती, पूरी या फिर पराठे के साथ सर्व करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से इन स्टफ्ड करेलों को आप चाहे तो लंच में ले जा सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं, या फिर लंच में साइड डिश के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। इसे स्टोर करके 3 से 4 दिन तक यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग सी रेसिपी को देखने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।